देखिए, मैं राहुल गांधी तो नहीं हूँ पर कोशिश करूँगा आपको हंसाने की जब भी कोई टैलेंट शो में सेलेक्ट हो जाता है ना टैलेंट बहुत फुट फुट के बाहर आता है और मेरा तो कुछ ज्यादा ही आता है, है कि नहीं आता तो देख लीजिए ये खाली हाथ और ये टैलेंट बाहर जैसे अपने देश में काफी सारा टैलेंट है वैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी है वैसे दिल्ली से है कोई यहाँ पे पूरी बहुमत में आया अपनी सरकार की तरफ तो जैसा कि मैं कह रहा था बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है अपने देश में अजीब अजीब साइन साइनबोर्ड लगे होते हैं हर जगह अभी मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे लिखा था कृपया अनजान लोगों से दोस्ती ना करें तो नए दोस्त कैसे बनाए यहाँ पान खा के थूकना मना है किसी और देश में लिखा है ऐसा लिखा हुआ यहाँ पान खा के थूकना मना है और थूक भी सबसे ज्यादा वही होता है जहां लिखा होता है यहाँ पान खा के थूकना मना है वैसे आप लोग न्यूज चैनल देखते हो नहीं देखते फिल्म देखते हो वो भी नहीं देखते मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉरर कैरेक्टर ना हमारी पड़ोस वाली आंटी है एक तो पड़ोसन ऊपर से गुजराती मतलब इतनी कंजूस है ना एक दिन आएंगी हमारे यहां से शक्कर ले जाएंगी दूसरे दिन आएंगी आटा ले जाएंगी तीसरे दिन आएंगी उनके पप्पू के पास होने की खुशी में सीरा बना के दे जाएंगी मैंने कहा आंटी इतनी मेहनत क्यों की घी और गैस भी हमारे यहाँ से ले जाते मतलब इतनी कंजूस है ना किसी के यहाँ शादी में भी जाती है ना तो कवर टीडीएस काट के देती है ये प्रॉब्लम नहीं है कि कंजूस है कंजूस अपने माँ के पेट से कोई कंजूस नहीं होता इस सब की चीज बाहर आके ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है बट थिंग इज प्रॉब्लम ये है जब सुबह चार बजे उठ के ना भजन कीर्तन स्टार्ट कर देती है वो प्रॉब्लम है मैंने कहा इंसान पे तो नहीं कम से कम भगवान पे तो रहम करो उन्हें भी सोना होता है मैंने और मांगती भी क्या है अपने बेटी के लिए अच्छा सा पति मैंने कहा आंटी आप सुबह उठ के भगवान को डिस्टर्ब ना किया करें अगर बुरा मान गए तो अच्छा पति नहीं मिलेगा तो कहती है तेतीस करोड़ भगवान है अपने देश में कोई ना कोई तो जगीरा होगा एक दिन यहाँ पे उनके यहाँ पे उनकी बेटी का रिश्ता आए थे दो तीन जगह से एक लंदन से एक न्यूयॉर्क से तो ये हमारे घर आती है शक्कर लेने के बहाने ये बात बताने के लिए तो ये जब घर आई रेखा बहन थोड़ी शक्कर मल से किसी को नहीं पता तो बता दो मेरी माँ का नाम रेखा है तो जैसे ही मेरी माँ शक्कर लेने जाती है किचन की ओर ये अपने ही घर में हमारे घर में कंफर्टेबल हो जाती है हम हमको क, कभी कभी इतनी कंफर्टेबल हो जाती है हमको ही शक होने लगता है कि हम अपने ही घर में तो नहीं बैठे तो जैसे ही कंफर्टेबल हो गई तो मेरी माँ को बता रही है आपको पता है मेरी बेटी के लिए दो एनआरआई लड़के के रिश्ते आए हैं मतलब इन गुजरातियों में ना शादी का इतना मसला है कि अगर तुम तुम्हारी शादी नहीं हुई चाहे तुम लाखों रुपया कमा रहे हो तुम्हारी कोई औकात नहीं है मतलब मेरा एक उन्नीस साल का दोस्त था उसकी शादी होगी मुझ भी नहीं आई थी पूरी आधी सी आई थी यहाँ से तो मैंने कहा इतनी जल्दी शादी कर ली क्या बात हुई तो कहता है माँ बाप का प्रेशर था मैंने कहा जब तेरे माँ बाप ने कहा पढ़ाई कर ले पढ़ाई नहीं की जब तेरे माँ बाप ने कहा पीना छोड़ दे तूने पीना नहीं छोड़ा पर माँ बाप के प्रेशर में आके शादी जरूर कर ली मतलब इतना मसला है अपने देश में शादी को लेकर इलेक्शन से पहले मोदी को भी बोलना पड़ गया हाँ भाई मैं शादी शुदाऊ माफ करो तो जैसे ही आई मेरे मॉम को बताने लगी कि मेरी बेटी के लिए दो एन आर आई रिश्ते हैं एक लंडन का और एक न्यूयॉर्क का मैं वहां बैठा सोच रहा होता हूँ आंटी घर में कटोरा पर शक्कर नहीं है और क्या बात ये लंडन न्यूयॉर्क की कर रही है तो इनकी बात जब तक खत्म नहीं होती जब तक ये सीरियल की बात ना कर ले मतलब उसमें भी एक फलाने सीरियल में फलाने आदमी की फलाने बेटी की शादी नहीं हो रही उसमें भी इन्हीं को टेंशन है मतलब मैंने कहा आंटी जो लड़की रात में सोते समय ढाई किलो का हार और 500 सौ ग्राम मुंह पे मेकअप लगाए इतनी महंगाई में शादी करेगा कौन उसे मतलब इस इतना मसला है शादी का गुजरातियों में और ये सीरियल पता नहीं अजीब अजीब तरह के आते हैं एक सीरियल आता है कोई फलाना नाम भूल गया मैं उसका एक लड़की है उसमें मतलब पति चाहे तुम्हारा पच्चीस किलो का हो मांग में सिंदूर पचास किलो का होता है अजीब अजीब सीरियल आता है एक इंग्लिश सीरियल आता है शर्ला कॉम्स उसमें ना वो शर्ला गोम्स एक डिटेक्टिव है उसका काम और हमारी देश की पुलिस का काम भी सेम ही है मतलब दोनों का काम है क्रिमिनल को पकड़ना पर तरीके अलग अलग है शर्ला कॉम्स जाता है जहां वारदात हुई होती है वहां पे क्राइम सीन पे उसको सबूत मिलता है कोई बाल वो बाल को उठा के कहता है गौचा मतलब उस बाल का उसका डीएनए टेस्ट देस्ट, फलाना टेस्ट का करके बाल की खाल निकाल देते हैं क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं बाल की खाल हमारी देश की पुलिस भी निकालती है लेकिन उनका वो टेस्ट वेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ती उनके पास होता है ना एक डंडा उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना यकीन मानिए उस देश में इतनी उस डंडे में इतनी ताकत है एक क्राइम के लिए चार चार लोग कबूल कर जाते हैं हाँ भाई तेरा तो हो गया तीन और पढ़ते वो भी ला थैंक यू